दिस इज़ द नेक्स्ट वीडियो ऑफ जी के फ्रॉम दी पास्ट तो अब हम कुछ अपनी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि हमारी हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें होती थी है ना वैसे आप लोग को बहुत सारी चीज़ें पता भी होगी बट ये जो जी के बुक है इसमें आपको कुछ और नया सीखने को मिलेगा ठीक है बहुत अच्छा है बहुत ईजी भी है ठीक आपने पढ़ा है कि जो कैलेंडर जानते हो ना जो हम लोग न्यूज़ यूज़ करते हैं वो नेशनल कैलेंडर है ठीक तो जो नेशनल कैलेंडर है उसमें जो इंडियन सिस्टम के बेस पे रहता है ना तो जो हमारा जो कैलेंडर है नेशनल कैलेंडर वो संवत पे बेस्ड है ठीक उसमें कौन से महीने से जो है हमारा कैलेंडर स्टार्ट होता है जैसे हमारा जो इंग्लिश कैलेंडर है वो जनवरी से स्टार्ट होता है जनवरी फेबरवरी मार्च अप्रैल वैसे ही जो हमारा संवत का जो कैलेंडर है या जो नेशनल कैलेंडर है वो किस बेस पर पे आधारित है या किस महीने से स्टार्ट होता है तो वो होता है आपका चैत्र महीने से ठीक कैसे होता है चैत्र वैसाख जेठ कार्तिक अगन पोष मांग फाल्गुन ये क्या होते हैं ट्वेल्व मंथ्स होते हैं आ बात समझ में तो हमारा जो साख संबंध पे बेस्ड जो कैलेंडर है वो किस पे है पहला मंथ उसका क्या पड़ता है चैत्र एंड देन वैसाख फिर जेठ फिर ठीक बात समझ में तो ये उस पर डिपेंड है आपको ये लिखना था फिर लिखा है इन दी सिज वे आर रूलिंग द फैमिली ऑफ ग्वालियर देखो सिंधिये जो हैं ग्वालियर पे रूल किए हैं वैसे ही आपको बताना है कि इंदौर पे कौन रूल किए होलकर तो करके जो हैं वो इंदौर पे रूल किए थे पहले की बात हो रही है तो है है ये ये ठीक तो अब एक ऐसा जिसको में खेला जाता था रथ में चढ़ के खेलते थे रथ समझते हो ना रथ समझते हो है ना आ, मतलब दो घोड़े को सामने में से सा बांधे रहते हैं फिर रस्सी से उनको जिससे बुलक कार्ड होता है ना वैसे कुछ रहता है ना पर वहाँ पे गाय की जगह पे या फेलोज की जगह पे हॉर्सेस का यूज किया जाता है वो रथ होता है ठीक तो ऐसा कौन सा खेल है जो पहले रथों में खेला जाता था जिसके कारण से उसको रथेरा भी बोलते हैं क्या बोलते हैं आर ए टी एच ई आर ए दैट इज रथेरा ना तो अभी का जो खेल है वो उसका नाम क्या है खो खो पहले वो रथ पे चढ़ के बेलते थे, थे ना चैरट्स पे चैरियट्स पे खेला जाता था बेसिकली ठीक ऐसा ही है कुछ इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है सिर्फ आपको पढ़ना है समझना है किस चीज़ के बारे में बात हो रही है और आपको उसको फिर ध्यान में देख के बनाना है ओके okay? जैसे कि आपका जो भी जैसे आपका जो इल्बन बतूता है जो हमारे दिल्ली आए थे है तो ना द ट्रेवलर इल्बन बतूता विजिटेड ड्यूरिंग द विजिटेड डेली ड्यूरिंग द रीज़न ऑफ विच रूलर ऑफ द दे डेली सुल्तनत तो इल्बन बतूता जब हमारे मतलब डेली में आए थे विजिट करने के लिए या घूमने के लिए समझ जाओ तो उस टाइम में दिल्ली में कौन से दिल्ली सल्तनत में कौन से रूलर का रूल चल रहा था कौन सा राजा राज कर रहा था तो उस टाइम में था मुहमन बिन मोहम्मद बिन बी, तुगलक जो थे वो रूल कर रहे थे उस टाइम है जो एल्बन बतूता है वो दिल्ली आए थे है ना तो ऐसे आपको बताना है इट्स वेरी सिंपल बेटा ये आपको समझ में आ जाएगा जैसे आपका जंतर मंतर है वो उसको कौन बनाया है तो इसमें बहुत लोगों को कुछ इसमें कंफ्यूजन भी था है ना टोडरमल है कि जैसी है, कि टीपू सुल्तान है तो जैसी जी ने क्या किया था जंतर मंतर बनाया था जंतर मंतर बहुत फेमस है दिल्ली दिल्ली का ठीक आ, में सिचुएटेड है जो बना था आपका सेवनटीन ट्वेंटी फोर में ठीक तो ये फ्रॉम पास्ट से जो भी टेन क्लोज दिए हैं इसको आपको पढ़ना है समझना है और फिर सही आंसर को टिक करना है ठीक स्पीड ये समझ आया नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पीडस्ट नेक्स्ट टॉपिक में क्या था आपका स्पीड स्टार्स इसमें क्या है आपको जैसे हमको पता है कि सबसे फास्टेस्ट एनिमल अर्थ में कौन है तो एवरी वनता इज फास्टेस्ट एनिमल है ना दुनिया में सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला जो भी एनिमल है उसका नाम है चीता है ना यू ऑल नो चीता इज दी फास्टेस्ट एनिमल पर कुछ और ऐसे एनिमल्स हैं बर्ड्स हैं जो क्या है बहुत ही फ़ास्ट हैं है ना इन देयर ओन वे जिसको हम लोग सुपर हीरोज भी बोल सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ स्पीड तो उसी के बारे में बताया है कि कौन कौन से जो भी एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं या एक्वाटिक एनिमल्स भी बोल सकते हैं फिश वगैरह तो उसके बारे में बता रहे हैं कि कुछ ऐसे ही एनिमल्स हैं जो अपने आप में भी बहुत फास्ट हैं अपने आप से भी बहुत सुपर हीरोज़ हैं वो है ना उनकी जो प्रजाति है या उनका जो स्पीसीज़ है वो बहुत ही फास्ट है अब जैसे पहला दिया है पहला क्लो इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट बर्ड इन फ्लाइट उड़ने वाले पक्षियों में से सबसे ज्यादा तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है ये रीचिंग अप द स्पीड्स ऑफ टू हंड्रेड एम पी एच एम पी एच का मतलब है माइल्स पर आवर टू हंड्रेड माइल पर आवर के हिसाब से ये उड़ता है वाइल एट अ डाइव मेकिंग इट फ्यसम हंटर्स ठीक और क्या करते हैं ये मतलब बहुत ही फास्ट क्या करते हैं फ्लाई करता है दौड़ उड़ते हैं तो उसका नाम क्या है ये आपका जो बर्ड का यहाँ पे डायग्राम भी दिया है ठीक आप इसको पढ़ लेंगे इसका नाम है आपका पेरीग्रीन फैल फैलकॉन करके ठीक ये आ, बर्ड है जो बहुत ही फास्ट क्या करते हैं उड़ते हैं वैसे ही आपको फिश के बारे में बताएगा कि फास्टेस्ट फिश है ठीक है मेकिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट फिश इन ओशन ये बहुत ही फास्ट क्या करता है स्विम करते हैं तो ये सेल्फिश है आप इसको भी जान लोगे एक बार में ठीक ये सबसे छोटा जो इंसेक्ट कीड़ा समझते हो ना कीड़ा उसमें से सबसे ज्यादा फास्ट चलता है इट इज द फास्टेस्ट लैंड इंसेक्ट इन दर्ल्ड एंड इट इज नोन फॉर इट्स अग्रेसिव हंटिंग हैबिट्स आउटस्टैंडिंग रनिंग स्पीड तो वो कौन सी आ, 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 इंसेक्ट है तो इसका नाम है आपका टाइगर बेटल ये हमारा आ, इंसेक्ट है ऐसे ही आपको क्या दिए है सिक्स हिंट्स दिए हैं स्पीड स्पीड जो अपने अपने फील्ड में दौड़ते हैं उड़ते हैं तैरते हैं या अपना परफॉर्मेंस जिस बेस पे देते हैं ठीक उसके बारे में आपको डिस्क्राइब किया गया है आपको क्या करना है इसको भी कंप्लीट करना है लर्न करना है बेसिकली ठीक है आई होप लव को समझ आ गया होगा हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ टफ़ है ही नहीं ओके okay, बेटा पेज नंबर थर्टी फाइव तक आपको कंप्लीट करना है